स्टूडेंट वेलकम अंस अगैन। बच्चों आज की इस वाली वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज 9.3 का जो लास्ट क्वेश्चन है ना, क्वेश्चन नंबर 3, इसे सॉल्व करना सीखेंगे। यहाँ पर भी हमको ग्राफ बना करके दिया गया है, उससे रिलेटेड क्वेश्चन है जैसे 1 और 2 में दिए गए थे, और बस आपको उन्हीं क्वेश्चन का आंसर देना है ग्राफ को देख कर ही। बहुत ही सिंपल से क्वेश्चन है, बस आप एक बार समझ जाओगे उसके बाद आपसे आसानी से ये ग्राफ वाले क्वेश्चन ना खुद बनने लगेंगे। और जो मैं अगला वीडियो बनाऊंगा अभी 9.4 का, जहाँ पर आपको ग्राफ ड्रॉ भी करना पड़ेगा, तो वो वीडियोज़ का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करा दूंगा और ऊपर आई बटन में भी दे दूंगा, वहाँ से जाकर के आप अपने डाउट्स क्लियर कर सकते हो, ग्राफ बनाना भी सीख सकते हो। तो आइए अभी स्टार्ट करते हैं और क्वेश्चन नंबर 3 को पहले तो रीड करते हैं। यहाँ पर दिया क्या गया है हमें कि ऑब्जर्व दिस बार ग्राफ विच शो द मार्क्स ऑब्टेन बाई अजीज इन हाफ ईयरली एग्जामिनेशन इन डिफरेंट सब्जेक्ट्स। यानी कि अजीज ने हाफ ईयरली एग्जामिनेशन में कौन कौन से सब्जेक्ट में कितना मार्क्स लाया है, यही हमको यहाँ पर दिया गया है। जैसे हिंदी में इसने कितना लाया, इंग्लिश में कितना लाया, ये बताया गया है। और 1 यूनिट लेंथ इक्वल टू 10 मार्क्स ये भी बता दिया गया। यानी कि 1 यूनिट मतलब यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक कितना है, 10 मार्क्स है, फिर यहाँ से यहाँ तक 10 है, तो 10 और 10 मिलकर 20 बन गया, फिर यहाँ से यहाँ तक भी 10 होगा। यानी एक एक सेंटीमीटर 1 1 यूनिट जो है ना, वो 10 10 मार्क्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो भाई 10 10 मिलकर के 30 40 50 इस तरीके से यहाँ पर शो किया गया है। अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन आंसर में कि हमसे क्या क्या क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो पहला क्वेश्चन है कि व्हाट इन्फॉर्मेशन डज द बार ग्राफ गिव, ये ग्राफ जो है वो क्या इन्फॉर्मेशन दे रहा है। तो मैंने आपको पहले भी बताया क्वेश्चन नंबर 2 में कि ये जो क्वेश्चन होता है ना, इसका आंसर हमें क्वेश्चन नहीं मिला रहता है, यानी क्वेश्चन में छुपा हुआ रहता है, वहीं से आपको निकाल करके बता देना है। जैसे देखो ये जो ग्राफ है वो हमको क्या शो कर रहा है कि अजीज ने हाफ ईयरली एग्जाम में कितना नंबर लाया, यही तो शो कर रहा है ना। तो वही चीज़ हमसे पूछ रहा कि ग्राफ क्या शो कर रहा है। तो आप क्या करो, यहाँ पर जो क्वेश्चन है ना, यहीं से इसका आंसर उतार के लिख दो कि दिस बार ग्राफ, यहाँ पर इसको ऐसे करो, दिस बार ग्राफ विच वगैरह हटा दो, इसका कोई जरूरत नहीं है। तो दिस बार ग्राफ शो द मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय अजीज इन हाफ अर्ली एग्जामिनेशन इन डिफरेंट सब्जेक्ट्स। बस यही हो जाएगा फर्स्ट वाले क्वेश्चन का आंसर, यानी यहीं पर हमारा क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर छुपा हुआ है। तो ये हो गया फर्स्ट का आंसर। चलिए सेकंड क्वेश्चन देखते हैं, इसमें क्या बोला जा रहा है कि नेम द सब्जेक्ट इन विच अजीज स्कोर मैक्सिमम मार्क्स, अजीज ने सबसे ज्यादा मार्क्स इसमें लाया, ये हमसे पूछा जा रहा है। तो आप साफ साफ देखोगे कि ग्राफ सबसे बड़ा किसका जा रहा है, हिंदी वाले सब्जेक्ट का ग्राफ सबसे ऊपर जा रहा है इसका मतलब, और उसके बाद थोड़ा सा उससे नीचे है मैथमेटिक्स का, लेकिन अगर आप कंपेयर करोगे तो साफ साफ हिंदी वाला बड़ा दिख रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हिंदी में उसने सबसे ज्यादा मार्क्स अचीव किया है। तो यहाँ पर आप लिख दोगे कि इन हिंदी अजीज स्कोर मैक्सिमम मार्क्स, यानी हिंदी में उसने सबसे ज्यादा मार्क्स स्कोर किया है। अब इसमें ये नहीं पूछा गया कि कितना किया है, अदरवाइज अगर आप बताना चाहो तो बता भी सकते हो कि ही गॉट, उसने कितना लाया, तो ही गॉट 80 मार्क्स, क्योंकि देखो ये जो इसका ग्राफ जा रहा है वो 80 के सिधाई में जा रहा है ना, तो इसका मतलब अजीज ने हिंदी में 80 मार्क्स लाया है, तो वो भी आप बता सकते हो। बाकी जरूरी नहीं है बताना, अगर टाइम रहेगा तो बता देना एग्जाम में, ठीक है। तो इसका फिर से आंसर मैं रिपीट कर दे रहा हूँ कि इन हिंदी अजीज स्कोर मैक्सिमम मार्क्स, फिर फुल स्टॉप लगा करके ही गॉट 80 मार्क्स, ऐसे लिख दो। सी वाला क्वेश्चन देखते हैं, इसमें क्या बोला जा रहा कि नेम द सब्जेक्ट इन विच ही हैज स्कोर मिनिमम मार्क्स, सबसे कम किसमें लाया है। तो सबसे कम वाला ग्राफ देखो, ये मुझे सोशल स्टडी का ग्राफ इसका सबसे कम दिख रहा है। अरे भैया इसमें इतना कम क्यों ला रहे हो, सोशल स्टडी बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट होता है, उसमें आप हिस्ट्री वगैरह पढ़ोगे तो बहुत मजा आएगा आपको, लगता है इसको किसी अच्छे टीचर ने पढ़ाया नहीं था। कोई बात नहीं, चलो देखते हैं सोशल स्टडी में इसने कितना मार्क्स लाया। तो यहाँ पर पहले तो देखो ये सबसे कम लाया है, अब कितना लाया वो पूछा नहीं जा रहा है, फिर भी मैं आपको सिखा दे रहा हूँ कि कैसे चेक किया जाता है। इसमें क्या करना, आप इस तरीके से रखना स्केल को अपना, और स्केल को एकदम सीधा ला के कोशिश करना कि जो हमारे स्केल है ना वो एकदम सीधा आ सके। तो ये देखो, ये जो हमने इसके ऊपर रखा, तो स्केल जो हमारा सीधा है वो किस में आ रहा है, ये 40 में आ रहा है। इसका मतलब कि सोशल स्टडीज़ में इन्होंने कितना लाया है, 40 मार्क्स अचीव किए हैं। तो यहाँ पर आप कर दोगे कि इन सोशल स्टडी ही हैज़ स्कोर मिनिमम मार्क्स, ही गॉट ओनली 40 मार्क्स, ऐसे करके इसका स्टेटमेंट लिख दो, आपका आंसर कंप्लीट हो जाएगा। और कुछ क्वेश्चन है क्या? हाँ, एक और लास्ट क्वेश्चन है, रुक मैं आपको दिखा देता हूँ। क्वेश्चन नंबर डी है, इसमें हमसे बोला जा रहा है, थोड़ा फोकस हो जाओ, कि स्टेट द नेम ऑफ सब्जेक्ट्स एंड मार्क्स ऑब्टेन इन ईच ऑफ देम। यानी कि आपको क्या करना है कि कौन कौन से सब्जेक्ट में उसने कितना मार्क्स लाया है ये भी लिखना है। तो चलिए मैं आपको वहीं पे समझा देता हूँ कैसे लिखोगे। इसको पेज चेंज करते हैं एक सेकेंड, ये जो पेज अलग हो जाता है ना उसमें बड़ा दिक्कत होता है। तो देखो क्या बोला गया था कि कौन कौन सब्जेक्ट में उसने कितना मार्क्स लाया ये बताना है। तो आप इस तरीके से लिखोगे, आंसर नंबर सी डालना अपने कॉपी में, ठीक है, और फिर लिखना इस तरीके से हिंदी, जैसे आप लोग अपना अपना मार्क्स लिखते हो ना, बस उसी तरीके से यहाँ पर लिखना है कि हिंदी में उन्होंने कितना लाया था, 80 लाया था, तो 80 लिख दो। फिर इंग्लिश में कितना लाया है, तो इंग्लिश लिखो, और उसके बाद डैश करके उसका मार्क्स लिख दो। तो इंग्लिश वाला देखो लाइन हमारा आ रहा है यहाँ पर 60 में, इसका मतलब वो इंग्लिश में 60 लेकर के आया है। मैथ में उन्होंने कितना लाया है, तो मैथ लिखो, मैथमेटिक्स लिखना पूरा पूरा, क्योंकि यहाँ पर मैथमेटिक्स लिखा हुआ है। तो मैथ में उन्होंने कितना लाया है, ये वाला लाइन सीधा किस में आ रहा है भैया, 70 में जा रहा है, इसका मतलब इन्होंने मैथ में 70 लाया है। अगर आपको सिधाई लेने में थोड़ा दिक्कत होता है तो आप स्केल का यूज़ कर सकते हो, जैसे मैंने सोशल स्टडी में करके बताया था। फिर आ जाते हैं साइंस में, तो साइंस में उन्होंने कितना लेकर क्या आया है देख लेते हैं,
ये हमारा साइंस वाला जा रहा है 50 के पास, इसका मतलब साइंस में उन्होंने 50 लाया है, और लास्ट में हमारा जो सोशल साइंस है उसमें उन्होंने 40 लाया था जो हमने पहले चेक कर रखा है, तो ये हो गया 40। इस तरीके से आपको सी नहीं सॉरी डी वाला आंसर था ना, तो डी का आंसर आपको इस तरीके से लिखना है कि कौन से सब्जेक्ट में उन्होंने कितना मार्क्स अचीव किया है। आई होप आपको बहुत अच्छे समझ में आ गया होगा ग्राफ को देख करके कैसे आंसर देना है। और मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, यहाँ पर जो अगला एक्सरसाइज है 9.4 उसमें ग्राफ बनाना भी सीखेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।